हबुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर लॉल में सिटी बस डे केयर सेंटर से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चे हलाक, 6 जख्मी हो गए। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि पूरा कनाडा मुतासरीन के गम में शरीक है। कनाडा की हुकूमत को तुर्की मदद में ताखीर पर तनकीद का सामना। कनाडा की जानिब से डिजास्टर असिस्टमेंट टीम तुर्की में तैनात। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि बेहतर तरीके से तुर्किया की मदद करना चाहते हैं। कैनेडियन वजीर आजम की हेल्थ केयर के लिए सूबों को पेशकश। सूबों के वज़राए आला जुम्मे को मशावरत करेंगे। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है वफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुहादे से मुतालिक और एतमाद हैं। तुर्किया और शाम में तबाहकुन जलजले में अमवात 16,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 12,873 और शाम में 3,162 अफराद जाबहक हो चुके हैं। तुर्क सदर का कहना है कि मुतासिरा खानदानों की फौरी माली इमदाद की जाएगी। चीन ने अमरीकी सेक्रेटरी दिफा की फोन कॉल की दरख्वास्त रद्द कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है हम राबते के लिए तमाम जराए को खुला रखने के लिए पुरअज़म है। अमरीका और चीन के ताल्लुकात चीनी गुब्बारा गिराए जाने के बाद दोबारा कशीदा हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर लॉल में सिटी बस डे केयर सेंटर से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए जबकि ड्राइवर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर लॉल में सिटी बस डे केयर सेंटर से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए जबकि ड्राइवर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में डे केयर के 6 बच्चे जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 51 साल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस पर मुतादिद जराइम का इल्ज़ाम आयद किया गया है जिनमें फर्स्ट डिग्री कत्ल, कत्ल की कोशिश, हथियार से हमला या जिस्मानी नुकसान पहुंचाना और लापरवाही से ड्राइविंग शामिल है। हादसे का मुशाहिदा करने वाले एक पड़ोसी ने बताया कि उसने और वालदैन के एक ग्रुप ने बस के नीचे फंसे बच्चों को बचाने की कोशिश की और ड्राइवर को काबू करने में कामयाब हो गए जो गलत हरकत कर रहा था। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी, बस ड्राइवर से तफ्तीश जारी है। ये कहना कबल अज वक्त होगा कि ड्राइवर ने ये अमल जानबूझकर किया है या नहीं। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक डे केयर सेंटर में 5 साल से कम उम्र के 80 बच्चे मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम की जा रही है और ये कहना कबल अज वक्त होगा कि ड्राइवर ने ये अमल जानबूझकर किया है या नहीं। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हलाक होने वाले बच्चों के वालदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। कनाडा की हुकूमत ने अवामी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद के बाद तुर्किया में जलजले के बाद होने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए अपनी एक टीम रवाना कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने तबाहकुन जलजले के तनाजर में बुध के रोज एक डिजास्टर असिस्टमेंट टीम को तुर्की में तैनात किया है क्योंकि कनाडा की वफाकी हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा कि इस मुल्क की जानिब से अमली तौर पर मदद के लिए इकदाम नहीं किए गए। इस आफत के हवाले से कनाडा का रद्द अमल शदीद तनकीद का निशाना बना है क्योंकि 2 दर्जन से जायद ममालिक की तलाश की टीमें शाम और तुर्की में 10,000 मुकामी इमरजेंसी अहलकारों के साथ शामिल हो गई हैं। बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर हरजीत सजन ने
बुध की शाम कैनेडियन डिजास्टर असेसमेंट टीम की तैनाती का ऐलान किया और कहा यह फौजी और आलमी उमूर के हुक्काम पर मुश्तमिल है। बुध के रोज कैनेडा की तुर्की और शामी कम्युनिटीज उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने खबरदार किया था कि वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि मुकामी तंजीमों ने तलाश और बचाव की कोशिशों में मदद के लिए टीमें बैरून मुल्क भेजी हैं। ब्रिटिश कोलंबिया से इमदादी कारकुनों को मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह सवेरे जलजले वाले इलाके में तैनात किया गया था। माहरीन ने कहा कि मलबे के नीचे फंसे या बुनियादी जरूरियात हासिल करने से कासिर अफराद के लिए जिंदा रहने की उम्मीद तेजी से बंद हो रही है। कबल अजी कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि शुरू से ही हम अपने सिफारती अमले वहाँ मौजूद अपने हम मनसबों के साथ बात कर रहे हैं और आलमी बिरादरी के साथ काम कर रहे हैं कि सही तरीके से ज्यादा मदद की जरूरत हो। हम मदद के लिए मौजूद हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसे बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि कैनेडा जमीन पर इंसानी हमदर्दी के शराकत दारों के साथ करीबी रابطे में है और बहरान का जवाब देना जारी रखेगा। कैनेडा के सूबों के वज़राए आला सेहत की देखभाल के निज़ाम के लिए वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा मल्टी बिलियन डॉलर के मनसूबे पर तबादला ख्याल करने के लिए जुमे को मुलाकात करेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के सूबों के वज़राए आला सेहत की देखभाल के निज़ाम के लिए वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा मल्टी बिलियन डॉलर के मनसूबे पर तबादला ख्याल करने के लिए जुमे को मुलाकात करेंगे, जबकि अपोजिशन लीडर का कहना है कि कंजर्वेटिव हुकूमत ट्रूडो के हेल्थ केयर डील को बरकरार रखेगी और ज़्यादा खर्च करेगी। सूबों के वज़राए आला का कहना है कि ट्रूडो की पेशकश को कबूल करने से पहले उसका जायज़ा लेंगे। वफाक की पेशकश उनके मुतालबात से कम है जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। ताहम वज़राए आला ने वफाकी हुकूमत की पेशकश को खुशाइन करार दिया है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुहैदे से मुतालिक पुर एतमाद है। फोर्ड ने कहा, हम इस पेशकश के शुक्रगुजार हैं। हम वजीर आजम के साथ बैठने के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम इस्तेहकाम चाहते हैं। हमें ना सिर्फ चंद साल, 5 या 10 साल, बल्कि आने वाली दहाइयों के लिए यकीनी तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फोर्ड ने कहा, वो अपने साथी वज़राए आला के साथ मुहैदे पर नज़रसानी करने का इरादा रखते हैं। जबकि वजीर सेहत सिल्विया जॉन्स के तर्जुमान ने कहा है कि फोर्ड और जॉन्स के वफाकी बैनुल हुकूमती उमूर के वजीर डोमैंक ली ब्लैंक और वफाकी वजीर सेहत के साथ एक मीटिंग तय की गई है। ऑन्टेरियो की वजीर सेहत का कहना है कि मैं कदरे हैरान हूँ कि कम्युनिटी केयर और होम केयर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले शदीद जलजले से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जलजले के बायस जाबहक अफराद की तादाद 16,000 से बढ़ गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले शदीद जलजले से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जलजले के बायस जाबहक अफराद की तादाद 16,000 से बढ़ गई है। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के जलजले से शाम और तुर्की में 16,000 से ज्यादा अफराद जाबहक हो गए, जबकि हजारों जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। मलबे से लाशें और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम का बताना है कि तुर्की में 12,873 और शाम में 3,162 अफराद जाबहक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद सर्द मौसम के बायस इमदादी कारकुनों को जमीन बोस इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने में शदीद दुश्वारी का भी सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और अजम जाहिर किया कि किसी भी शख्स को बेघर नहीं रहने देंगे। मुतासरा खानदानों की फौरी माली इमदाद की जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मुल्क भर में एक हफ्ते के शोक का ऐलान कर दिया, जिसके दौरान कौमी परचम सरनगू रहेगा, जबकि तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तुर्क सदर ने ज्यादा मुतासर 10 सूबों में 3 माह के लिए एमरजेंसी का ऐलान भी किया। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान का कहना है कि चीन ने सेक्रेटरी दिफा लाइट ऑस्टन की तरफ से फ़ोन कॉल की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। हम रबते के लिए तमाम जराए को खुला रखने के लिए पुरजम है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान का कहना है कि चीन ने सेक्रेटरी दिफा लाइट ऑस्टन की तरफ से फ़ोन कॉल की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बताया कि बदकिस्मती से चीन ने हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन हम रबते के लिए तमाम जराए को खुला रखने के लिए पुरजम है। 4 फरवरी को चीन का मुबैना जासूस गुब्बारा मार के आने के बाद सेक्रेटरी दिफा ने अपने चीनी हम मनसब वाई फेंगे से बात करने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी शुमाली कमांड के सरबरा जनरल ग्रीन वैन हॉक ने कहा था कि एक बहरी जहाज को चीनी गुब्बारे का मलबा ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी गई है।
जो बहर अकयानूस में गिरा है। ख्याल रहे कि चीन का मौकफ है कि गुब्बारा मौसमी जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कोई अस्करी मकसद नहीं था, लेकिन वाशिंगटन ने उसे नहायत जदीद जासूस तैयारा करार दिया था। याद रहे कि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और चीन के वजीर दिफा ने नवम्बर के दौरान कम्बोडिया में मुलाकात की थी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।